बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दिल्ली में 30 मई को पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कई सेलेब्स को न्योता भेजा गया था। सलमान खान के भी इवेंट में पहुंचने की चर्चा थी, लेकिन सलमान मोदी के शपथ ग्रहण में नहीं गए। हालांकि उसी दिन सलमान वीरू देवगन के प्रेयर मीट में नजर आए। अब इंडिया टुडे से एक बातचीत में सलमान ने कन्फर्म किया वीरू देवगन के निधन की वजह से पीएम के कार्यक्रम में नहीं गए थे। सलमान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने की बजाय वीरू देवगन के प्रेयर मीट में जाने और दोस्त अजय देवगन के दुख में शामिल होने को तवज्जो दी। सलमान खान का कहना है कि उनके लिए परिवार और दोस्त सबसे पहले आते हैं। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा, मेरे लिए हमेशा से परिवार और दोस्त पहले रहे हैं। अगर आप मेरी पूरी जर्नी देखोगे तो यही पाओगे, उनके लिए भी यही बात रही है। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।